الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान बयान हो रही है जो तौहीद के दलाइल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, युदब्बिरुल अम्र मिन अस्समाई, वो तदबीर करता है काम की, मिन अस्समाई आसमानों से, आसमान से, इलल अर्ज़ी जमीन की तरफ, जमीन तक, सुम्मा यारुजु इलैही, फिर वो चढ़ता है उसकी तरफ यानी वो काम, फी यौमिन उस दिन, कान मिकदारुहु जिसके मिकदार 1000 सनत 1000 साल है, मिम्मा तउद्दून उससे जिसको तुम शुमार करते हो। अल्लाह ताला अपनी शान बयान करते हुए फरमा रहे हैं, पिछली आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपने खालिक होने का जिक्र फरमाया कि जमीन व आसमान को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है 6 दिनों में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी हैं, अर्श पर बुलंद हैं, जैसे अल्लाह की शान को लायक है। और अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा ना कोई दोस्त है, ना कोई सिफारशी, ना कोई मददगार, ना कोई सिफारशी जो अल्लाह के बिलमुकाबिल तुम्हारी मदद कर सके या तुम्हारी सिफारिश कर सके। क्या तुम नसीहतें पकड़ते, पिछली आयतें हमने पढ़ा। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला अपनी अजमत, अपनी शान बयान करते हुए मजीद फरमाते हैं कि अल्लाह तदबीर करते हैं काम की। काम से मुराद मखलूक से मुतालिक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात और तदबीरें हैं, फैसले हैं, तो वो अल्लाह ताला फैसला फरमाते हैं, अल्लाह उसकी तदबीर फरमाते हैं, मिन अस्समाई इलल अर्ज़ी आसमान से जमीन तक, आसमान से जमीन पर कामों का नुजूल, अहकामात का नुजूल अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तदबीर करते हैं काम की, उसका फैसला फरमाते हैं, उस काम को जारी करते हैं जमीन तक, आसमान से जमीन तक। इससे पता लगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंदी पर मौजूद है। इस मौजू पर कई दफा तफसील से बात हो चुकी है। पिछली आयत करीमा में भी हमने अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने का जिक्र पढ़ा, क्योंकि कल हमने आसमानो जमीन की तखलीक 6 दिनों में है और उसकी क्या तफसील है, कल इसके बारे में हमने तफसील पढ़ी। सिफात का अकीदा वो हमने पढ़ा, तो ये इस्तवा अल अर्श का मौजू मैंने छोड़ दिया, और इसलिए भी कि पहले इस पर कई दफा तफसील से बात हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर बुलंद हैं, अर्श पर करार पकड़ा हुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान को लाई, हम उसकी कैफियत बयान नहीं कर सकते, लेकिन एक बात वाज़े है कि अर्श अल्लाह की तमाम मखलूकात में सबसे बुलंद मखलूक है,
और हुजम के इतिबार से, शान और शौकत के इतिबार से सबसे बड़ी भी है, सबसे कीमती भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श को भी पैदा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्शे अजीम, अर्शे करीम के भी रब हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी हैं, अर्श पर बुलंद हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान को लायक है, गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह अपनी जात, जिस तरह अपनी सिफात, अपने मकाम के एतबार से बुलंद है, उस तरह अपने जात के एतबार से भी अल्लाह ताला सबसे बुलंद है। और अर्श जो सबसे बुलंद मखलूक है, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन हैं, जैसे अल्लाह की शान को लायक है। हम उसकी कैफियत बयान नहीं कर सकते कि अल्लाह अर्श पर कैसे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में 7 जगह पर अर्श पर मुस्तवी होने का जिक्र फरमाया, अपने अर्श पर मुस्तवी होने का जिक्र फरमाया है। और मुस्तवी होने का मतलब बुलंद होना होता है। और कुरान करीम की बहुत सारी आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सिफात में से एक बड़ी सिफत उलुव बयान की है, वहुवल अलीयुल अजीम, आयतुल कुर्सी के आखिर में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बुलंद है, सबसे अजीम है। फल हुक्म लिल्लाहिल अलीयुल कबीर, बस फैसला अल्लाह के लिए जो सबसे बुलंद है और सबसे बड़ा है। और हमने पीछे सूरह लुकमान में भी पढ़ा, सूरह लुकमान के आखिर में, वअन्ना अल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन वही सबसे बुलंद हैं और वही सबसे बड़े हैं। और इसी तरह सूरह रात में है, आलिमुल गैबी व शहादती कबीरुल मुताल, अल्लाह गैब के जानने वाले हैं, अल्लाह हाजिर के जानने वाले हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल मुताल अल्लाह सबसे बुलंद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बुलंद हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन मकाम के एतबार से, सिफात के एतबार से सबसे बुलंद है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जात के एतबार से भी सबसे बुलंद है। सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जात के एतबार से भी मकाम के अलावा, मकाम की तरह अपनी शान की तरह अपने जात के एतबार से भी सबसे बुलंद है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ये जो हमारे साथ मौजूद होने का जिक्र मिलता है, अल्लाह की सिफत मईत का जिक्र मिलता है, अल्लाह के हमारी हर बात सुनने का जिक्र मिलता है, अल्लाह के हमारे हर चीज को जानने का जिक्र मिलता है, उससे क्या मुराद है? तो ये चीजें, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अर्श पर मुस्तवी हैं, जैसे अल्लाह की शान को लायक है, अल्लाह सबसे बुलंद हैं, जैसे अल्लाह की शान को लायक है। ना अर्श ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को घेरा हुआ है, ना बुलंदी की जो जहत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुहित है। जिस तरह हम एक मखलूक जहन से सोचते हैं, एक अपने मखलूक दिमाग से सोचते हैं, ना किस तरीके से, कि फिर तो गोया के अर्श ने अल्लाह का इहाता कर लिया है, अल्लाह का बोझ उठा लिया है, या फिर बुलंदी की जहत ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का इहाता कर लिया है। हम इन चीजों के बारे में फिर अपने नाकिस जहन से, नाकिस अकल से, जो एक महदूद अकल है, हम उससे जब इसको अपने तसव्वुर में लाने की कोशिश करते हैं तो हमें मुगालते होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान को लाइक है, वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है, वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बुलंद है। जैसे अल्लाह की शान को लायक है, अल्लाह का अर्श पे होना मखलूक की तरह नहीं है, जैसे मखलूक किसी चीज के ऊपर होती है, और अल्लाह का बुलंदी में होना वो इस अंदाज से नहीं है जिस अंदाज से कोई मखलूक होती है, या जैसे हम तसव्वुर कर सकते हैं, या अल्लाह को पता है, जैसे अल्लाह की शान को लायक है। बाकी अल्लाह ताला अर्श पे होते हुए अल्लाह ताला अपनी सिफात के एतबार से हमारे साथ, अल्लाह सुनने के एतबार से, देखने के एतबार से, जानने के एतबार से, पकड़ करने के एतबार से,
अपनी सिफात के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ हैं, अहाता करने के एतबार से। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हजरत मूसा और हजरत हारून को जब अल्लाह ने भेजा फिरौन की तरफ, तो हजरत मूसा और हारून अलैहिम सलाम ने कहा ए अल्लाह हमें डर है कहीं फिरौन हम पे ज्यादती न करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नहीं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं। قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ देख भी रहा हूँ। तो अल्लाह ताला सुनने और देखने और अपनी सिफात के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मखलूक के साथ होते हैं, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सब मखलूक से सबसे बुलंद और अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है अपनी जात के एतबार से, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान को लायक है। ये आयत करीमा जो हम पढ़ रहे हैं आयत नंबर 5, ये आयत करीमा भी एक एतबार से इसी मौजू को बयान कर रही है। एक एतबार से किस एतबार से ये आयत करीमा इस बात को बयान कर रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी हैं, जैसे अल्लाह की शान को लायक है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बुलंद हैं। इस आयत करीमा से जो हम पढ़ रहे हैं युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्ज थुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन, इस आयत करीमा से ये पिछली ही आयत में जो अल्लाह के इस्तिवा अल अर्श का जिक्र है, एक पहलू से ये आयत करीमा भी उसकी तायीद कर रही है। कौन बताएगा आप में से कैसे? एक वालेकुम सलाम। तो ये मिनस समाई इलल अर्ज, आसमान से जमीन की तरफ, जी, और दूसरा जी सुमया रुजू इलैही, फिर बुलंद चढ़ते हैं उसकी तरफ। ये दो पॉइंट अगर हम देखें तो ये उसकी तायीद करते हैं। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक। ये इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि युदब्बिरु की जमीर युदब्बिरु में हुआ जमीर है, फिर मुजारे का पहला सीगा है, और हमने जिन्होंने ग्रामर पढ़ी थी मेरी जो सुबह की क्लास थी फजर के बाद की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि फिल मुजारे में जमीर मुस्ततिर होती है, पोशीदा होती है फिल मुजारे के पहले सीगे में। तो इसमें हुआ जमीर मुस्ततिर है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौट रही है, वो तदबीर करता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तदबीर करता है, तदबीर फरमाते हैं जैसे अल्लाह की शान को लायक है। अल्लाह तदबीर फरमाते हैं अल अम्र काम की मिनस समाई इलल अर्ज, आसमानों से जमीन की तरफ, यानी गोया के आयत करीमा से ये बात वाजे हो रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों से नीचे जमीन तक अल्लाह कामों की तदबीर करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों पर हैं या आसमानों से भी ऊपर, सबसे ऊपर अल्लाह का, अल्लाह की अजीम मखलूक, अल्लाह का अर्श अजीम अर्श करीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श करीम पर मुस्तवी है जैसे अल्लाह की शान को लायक है। तो गोया के वो आसमानों से बुलंदी से अल्लाह रब्बुल आलमीन तदबीर करते हैं कामों की और वो जमीन तक काम पहुंचता है। तो गोया के ये काम और अल्लाह का फैसला ये गोया के जमीन पर नाजिल होता है, जमीन पर उतरता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन गोया के बुलंदी पर मौजूद है। और ऐसी एक आयत नहीं, ऐसी कई आयतें हैं कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही के नुजूल का जब जिक्र फरमाया है, वही कहाँ से नाजिल होती है, वही किसकी तरफ से होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वही को नाजिल करते हैं, वही को उतारते हैं। वही को उतारने का मतलब भी यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंदी पर हैं जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान को लायक है, और अल्लाह बुलंदी से फिर वही को नीचे यानी जमीन पर नाजिल करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंदी पर मौजूद हैं, सबसे बुलंद है, बिस्म रब्बिकल आला। कहाँ है कुरान में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वही नाजिल करते हैं? ये बात सूरह नहल में मौजूद है। अल्लाह फरमाते हैं युनज्जिलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अनज़िरू अन्नहू ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। क्या मतलब है इस आयत करीमा का? युनज्जिलुल मलाइकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन
उतारते हैं फरिश्तों को भी रूह ही अपनी वही के साथ, वही के साथ, मिन अमरी ही अपने हुक्म से। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हुक्म से फरिश्तों को वही देकर, अहकामात देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल करते हैं, अला मन यशाउ मिन इबादी ही, जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं अपने बंदों से। तो अल्लाह फरिश्तों के जरिए वही करते हैं, सैयदना जिब्रील अमीन अलैहि सलाम के जरिए अल्लाह वही करते हैं अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर अल्लाह चाहते हैं। तो अल्लाह की वही भी नाजिल होती है। इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतें, हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतों का नुजूल होता है। रहमतों का नुजूल होने का क्या मतलब है? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब रहमतें बरसती हैं अल्लाह के बंदों पर, तो हम उसके लिए रहमतों का नुजूल होना, हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मतलब है इन सारे मुहावरों का और इन सारी बातों का? कि ये चीज हमारी, ये चीज दलाइल के अंदर, किताबो सुन्नत के बेशुमार दलाइल के अंदर, और ये चीज हमारी फितरत, हमारे अंदर तक ये बात मौजूद है बाय डिफॉल्ट कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंदी पर मौजूद है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान को लाइक। यदब्बिरुल अम्र मिन अस्समाई इलल अर्ज, और फिर सुम्मा यारुजु इलैहि, फिर वो चढ़ जाता है वो काम इलैहि, अल्लाह की तरफ, उसकी तरफ यानी अल्लाह की तरफ। फी यौमिन, उस दिन में, काना मिकदारुहु, जिसकी मिकदार अल्फ सनतिन, 1,000 साल है, मिम्मा तअुद्दुन, उसे जो तुम शुमार करते। यानी पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन तदबीर फरमाते हैं काम की, और वो बुलंदी से, आसमानों से नीचे जमीन तक अल्लाह रब्बुल आलमीन तदबीर करके उसको नीचे उतारते हैं, फिर वो काम चढ़ जाता है अल्लाह की तरफ। तो चढ़ने का क्या मतलब है? इलैही, उसकी तरफ। तो चढ़ने का मतलब ये कि वो बुलंद हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान को लाइक। इतने दलाइल हैं, इतने दलाइल के बावजूद भी अगर कोई ना माने तो फिर उसको जायजा लेना चाहिए किताबो सुन्नत के दलाइल का, और उसे जायजा लेना चाहिए, गौर करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि क्यों हम इस बात को नहीं मानते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंदी पर हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान को लाएगी। ठीक, बिल्कुल, बहुत बहुत वाजे बताए, मतलब सुनने से ही पता चल रहा है कि बहुत वाजे है। बहुत वाजे है, इससे ज्यादा वाजे क्या बात होगी। और वैसे यानी साहित्य कलमा का असल मौजू तो तदबीर का है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कामों की तदबीर करते हैं, लेकिन इस के अंदर वाजे दो बड़े वाजे इशारे मौजूद हैं। तो मैंने एक दफा आपके सामने बहुत सारे दलाइल पेश किए थे कि जिन दलाइल से अल्लाह रब्बुल आलमीन का बुलंदी पर होना और अर्श पर मुस्तवी होना साबित होता है, तो 6-7 किस्म के दलाइल मैंने पेश किए थे, और हर दलील के अंदर दसियों किस्म के दलाइल अलग से मौजूद हैं, जिसमें मैंने जिक्र किया था कुरान करीम की वो सारी आयात या वो अहादीस जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श पर मुस्तवी होने का जिक्र मिलता है। ये एक किस्म की दलील है, क्योंकि अर्श सबसे बुलंद है और अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, तो इसका मतलब है अल्लाह अर्श पर बुलंद है, क्योंकि इस्तवा अला का मतलब बुलंद होना होता है, जैसे सलफ सालिहीन से सही बुखारी वगैरह में साबित है, इमाम अबुल आलिया वगैरह दीगर अइमा किराम से साबित है। इसी तरह मैंने जिक्र किया था कुरान करीम की वो सारी आयात, बहुत सारी आयात हैं दसियों, और वो अहादीस मुबारक सरी सही जिनसे वाजे होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बुलंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुबारक नामों में, मुबारक सिफात में अल आली, अल मुताल वगैरह का जिक्र है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अल आला का लफ्ज मौजूद है, सबसे बुलंद। और बहुत सारी आयात हैं इस मौजू पर, बहुत सारी अहादीस हैं। इसी तरह वो सारी आयात, वो सारी नुसूस जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही के नाजिल होने का, अहकाम के नाजिल होने का, रहमतों के नाजिल होने का जिक्र मिलता है, तो और वो ये एक किस्म की दलील है, और इसकी भी दसियों आयात हैं, दसियों नुसूस हैं। इसी तरह वो सारी आयात, वो सारे नुसूस कुरान के, ये हदीस के,
जिनमें चीजों के अल्लाह की तरफ चढ़ने का जिक्र मिलता है, जैसे ये आयते करी मैं तुम मैं यार रुजू रही फी योमिन क्या नाम खुदा रू, फिर वो चढ़ता है उसकी तरफ। सुम मैं रुजू इलैही ही के लफ्ज, फिर वो काम चढ़ता है उसकी तरफ यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ। इससे पता लगता है अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद है। इसी तरह कुरान करीम में मौजूद है इलैही यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिह यरफऊ, कि अल्लाह ही की तरफ पाकीज़ा कलिमात चढ़ते हैं और नेक अमल उसको मजीद बुलंद कर देता है। तो पाकीज़ा कलिमात जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करता है, जिक्र व अज़कार करता है, तो ये पाकीज़ा कलिमात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ चढ़ते हैं। इलैही यसअदुल कलिमुत तय्यिब, उसकी तरफ यानी अल्लाह की तरफ पाकीज़ा कलिमात चढ़ते हैं। चढ़ने का मतलब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंदी पर है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान को लाई। इसी तरह वो सारी आयात, वो सारे नुसूस अहादीस मुबारक जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का आसमानों पर होने का जिक्र मिलता है, बहुत सारी आयात हैं, बहुत सारी अहादीस हैं। अमिन तुम मन फिस्समा, अमिन तुम मन फिस्समा, क्या तुम बेखौफ हो गए हो उस जात से जो आसमानों में, यानी जो आसमानों पर है, आसमानों में या आसमानों पर है से मुराद आसमानों पर और आसमानों से भी बुलंद। और फिर वो आयात जिनमें यानी ये पता लगता है कि फरिश्ते अल्लाह के करीब है हमारी बनिस्बत। वमन इंदहू, और वो फरिश्ते जो अल्लाह के पास है, अल्लाह के पास है से क्या मतलब, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद हैं, तो वो फरिश्ते जो आसमानों में हैं जो जो अल्लाह के करीब हैं, हम तो जमीन पे हैं वो आसमानों पर हैं, तो वो अल्लाह के पास हैं। इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका, वो लोग जो आपके रब के पास हैं। तो ये आयत, इसी तरह वो सारी की सारी नुसूस, वो सारे नुसूस कुरान और हदीस के दलाइल जिनसे पता लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फौक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लफ्ज़ फौक इस्तेमाल हुआ है और फौक बुलंदी के माने में इस्तेमाल होता है। और ऐसी कई आयात हैं, कई अहादीस मुबारक हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वहुवल काहिरु फौका इबादिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब हैं, काहिर हैं, अपने बंदों के ऊपर हैं। अल्लाह ना सिर्फ अपने बंदों के ऊपर है यानी इंसानों के, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से भी ऊपर है। इसका जिक्र भी, ये भी उन आयात में शामिल है कि जिसमें फौक का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो फरिश्तों के बारे में आता है यखाफून रब्बहुम मिन फौकहिम, फरिश्ते डरते हैं अपने रब से जो उनके ऊपर है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन न सिर्फ जमीन पर मौजूद इंसानों, जमीन पर अल्लाह की मखलूक जो है उससे ऊपर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों पर मौजूद अल्लाह की मखलूक से भी ऊपर हैं। यखाफून रब्बहुम मिन फौकहिम, फरिश्ते डरते हैं अपने रब से जो उनके ऊपर है। तो वो आयात जिनमें अल्लाह रब, वो आयात अहादीस जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए फौक होने का जिक्र मिलता है। इसी तरह इस मौजूद इस मसले पर इजमा है सलफ सालेहीन का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान को लायक है सबसे बुलंद, और ये मसला फितरत से भी साबित है। तो ये मसला जो है ये इस पर सहाबा ताबईन अहले सुन्ना व जमा का इत्तेफाक है। इस पर अगर इतराज़ किया है सबसे पहले तो जहमिया मुतज़िला वगैरह ने इस पर इतराज़ किया है। अल्लाह फरमाते हैं युदब्बिरुल अम्र मिन अस्समाई इला अल अर्ज़, वो तदबीर करता है काम की आसमान से जमीन तक। एक तो पता लगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो काम आसमानों से जमीन पर आता है। दूसरा ये पता लगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से जमीन तक काम की तदबीर करते हैं। क्या मतलब, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक काम की तदबीर की, एक काम का फैसला किया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे आसमान से बुलंदियों से नीचे उतार दिया जमीन तक, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फैसले को तदबीर फरमाकर जारी कर दिया। अब आप बताइए कि फैसला अल्लाह ने किया, तदबीर अल्लाह ने की,
तो उस फैसले को पूरा कोई और करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पूरा करते हैं? अल्लाह तआला ही पूरा करते हैं। या इंसान पूरा करते हैं या उसको फरिश्ते पूरा करते हैं, कौन पूरा करता है उस काम को? अल्लाह के काम अल्लाह खुद पूरा करते हैं कि अल्लाह के काम अल्लाह की मखलूक पूरा करती है? अल्लाह की मखलूक भी पूरा करती है, जैसे बारिश नाजिल करने वाले फरिश्ते हैं, इसी तरीके से मौत का जो रू कब्ज करने वाले हैं, तो अमर तो अल्लाह का ही होता है लेकिन उनके जरिए से वो सादर होता है। जी, अल्लाह के बहुत से काम ऐसे हैं, अल्लाह फैसला फरमाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं अल्लाह की मखलूक का भी एक किरदार होता है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में जिंदगी मौत है, लेकिन हम कई दफा देखते हैं कि मौत का बाइस कोई इंसान बन रहा होता है, कोई जुल्म करके किसी को कत्ल कर रहा होता है। जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम देखते हैं कई दफा कि कोई डॉक्टर किसी का इलाज करके, कोई नेक दिल इंसान किसी की मदद करके गोया के उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जिस तरह कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीया, कि जो किसी इंसान को जिंदा करे तो गोया कि, यानी किसी इंसान की जान बचाए, गोया कि उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। और इसी तरह लोग एक दूसरे की जान ले भी लेते हैं। मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ, जो किसी को कत्ल करता है बगैर इसके कि उसने किसी को कत्ल किया हो या जमीन में फसाद किया हो, तो गोया कि उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं फरिश्तों के बारे में, फल मुदब्बिरात ही अमरा, कि फरिश्ते कामों की तदबीर करते हैं। जैसे नुमान साहब ने कहा कि मिकाइल जो है वो बारिशें बरसाते हैं, इसी तरह दीगर कामों की तदबीर है। तो सवाल ये है कि क्या कामों की तदबीर अल्लाह अकेले फरमाते हैं या उन कामों को अल्लाह के साथ दीगर मखलूक मिलकर मुकम्मल करती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेले मुकम्मल नहीं करते। मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ एक मरतबा। आपने पहले जवाब दिया है लेकिन दोबारा मैं सवाल दोहरा देता हूँ, क्या अल्लाह के काम अल्लाह खुद ही पूरे करते हैं या उन कामों को मखलूक भी पूरा करती है? ये एक बहुत बड़ा मारकतुल आरा मसला है और बहुत सारे लोगों को इसमें मुगालता भी होता है और बहुत सारे लोग इससे बाज बिदात खुराफात और शिरकियात में मुब्तला भी होते हैं। अल्लाह ताला खुद पूरा करते हैं तो कोई मखलूक पूरा नहीं करती अल्लाह के काम को? वो भी यही कहते हैं, वो भी कहते हैं कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने उनको मुकर्रर किया हुआ है तो वो औलादें देते हैं, वो हाजत रवाई करते हैं, वो मुश्किल कुशाई करते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, लोगों को अता करते हैं, वो दाता हैं, वो गंज बख्श हैं, गंज शकर हैं, वो गरीब नवाज हैं, वो ये करते हैं, हाजत रवाई दस्तगीरी करते हैं, क्या कहेंगे आप? तदबीर कामों की अल्लाह खुद करते हैं कि अल्लाह के साथ उन कामों में अल्लाह की मखलूक भी शरीक हो जाती है? फिर सवाल क्लियर है आप लोगों के सामने? जी क्लियर है। अल्लाह तआला के काम अल्लाह तआला ही पूरे करते हैं, मखलूक फिर अभी जो नहीं मिसालें आप, शामिल होती उसमें। मखलूक दुनियावी कामों में एक दूसरे की मदद कर देती है, लेकिन जो अल्लाह के काम है जिनकी अल्लाह तदबीर करते हैं वो अल्लाह तआला ही पूरे करते हैं। ये वो नुमान साहब वाली बात ही वही ख्याल है जिस तरह फिर वो फरिश्ते मौत देते हैं या इसी तरह फरिश्तों की ड्यूटी है मतलब कामों पे। तो मेरा इसमें ये है कि तदबीर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद करते हैं और खुद
उस तदबीर की एग्जीक्यूशन अल्लाह ताला खुद भी कर सकते हैं और मखलूक से भी करवा सकते हैं, वो जैसे अल्लाह ताला चाहें। अब बात थोड़ी सी निखरना शुरू हुई है, यानी ये अब आपको समझ ही मसला कितना अहम है और इस मसले के बारे में यानी जेन वाजे होना कितना जरूरी है, वरना यहीं से ही इंसान शुबहात का शिकार हो जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ से अपने अपने मौकिफ साबित करने की कोशिश करते हैं और ये बड़ा बड़ा अहम मसला है। अब ये आयते करीमा, ये मैंने मसला क्यों शुरू किया है, इसलिए शुरू किया है, इस आयते करीमा को देखें, ये आयत क्या कह रही है। युदब्बिरुल अम्र मिन अस्समाई इलल अर्ज़। ये आयते करीमा तो अल्लाह वहदहु ला शरीक की बात कर रही है, ये तो किसी अल्लाह के मखलूक की बात नहीं करते। इस आयते करीमा में ये बात मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लाह से बढ़कर कौन जानता है, अल्लाह फरमाते हैं युदब्बिरुल अम्र मिन अस्समाई इलल अर्ज़, अल्लाह तदबीर करते हैं काम की आसमान से जमीन तक, यानी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक काम की तदबीर फरमाते हैं, एक काम का फैसला किया, तदबीर की उसको, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों पर जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जारी फरमाया अपनी मखलूक में, तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो आसमान से जमीन तक ये काम अल्लाह की तदबीर से और अल्लाह के हुक्म से सर अंजाम पाता है। इसमें तो अल्लाह ने किसी का जिक्र नहीं फरमाया कि ये काम अल्लाह के साथ फरिश्ते भी करते हैं और ये काम फलां इंसान भी करते हैं और ये काम फलां नबी भी करते हैं, फलां वली भी करते हैं, फलां गौस भी करते हैं, फलां कुतुब भी करते हैं, ऐसी बात तो इस आयत करीमा में मौजूद नहीं है। ये आयत करीमा तो कह रही है कि अल्लाह खुद ही तदबीर करते हैं, लेकिन फिर वो सवालात जो जिनका बास की तरफ नवाज साहब ने इशारा किया, बास की तरफ मैंने इशारा किया, उनके बारे में हम क्या जवाब देंगे। एक जवाब दिया है राशिद साहब ने, वो कहते हैं फैसला अल्लाह करते हैं, एग्जीक्यूशन अल्लाह भी कर सकते हैं, अल्लाह की मखलूक भी कर सकती है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, क्या ये बात सही है या आप में से कोई और इस मौजू को आगे बढ़ाना चाहे तो। जी उस्ताद साहब, बिल्कुल कुछ कुछ काम ऐसे हैं जो अल्लाह ताला खुद ही कर सकता है, जैसे तख्लीक करना या तदबीर करना वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने कई कुछ मखलूकों को मुकर्रर किया, जैसे फरिश्तों को मतलब रूहें निकालने के लिए ऐसे ही, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो अल्लाह ताला सिर्फ खुद ही करते हैं, जैसे तख्लीक वगैरह। अच्छा, वैसे मेरा सवाल है, बात थोड़ी सी मजीद निखर जाएगी। रूह निकालने का मतलब मौत देना, तो मौत मारते मखलूक भी मारती है, फरिश्ते भी मारते हैं, फरिश्ते भी अल मुमीत हैं दूसरे मानों में, फरिश्ते अल्लाह ताला की मर्जी भी, से फिर वो फरिश्ते रूह। भी मौत दे। उस्ताद जी उस्ताद मेरे ख्याल में ऐसे तदब्बुर अम्र जो आसमान से जमीन तक है कि सारा कुछ करने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन चूंकि इंसानी आंख अल्लाह ताला को नहीं देख सकती, तो इन कामों को इंसान के सामने अंजाम देने के लिए बजाहिर कहीं फरिश्ते का नाम अल्लाह ताला लेते हैं कि फरिश्तों के जरिए और लोगों के लिए, लेकिन इन तमाम कामों को शुरू से आखिर तक करने वाला अल्लाह ताला की जात। इसलिए हम देखते हैं बाज़ औक़ात डॉक्टर सारी कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन जो मरीज है उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाती, सारे अमर कर रहे होते हैं, हर दवाई हर डॉक्टर सब कुछ करते, लेकिन वो काम नहीं हो पाता, हम सारी कोशिशें कर रहे होते हैं। अब बात मजीद निखर रही है, लेकिन बात को ना पूरी तरह निखारना है। मेरे सवाल पे गौर करें, अभी मिस रौनक ने जो मिसाल पेश की, मिस नौरीन ने भी जो बात कही है, बात मजीद निखरनी चाहिए। अगर नहीं निखारेंगे तो ये मलगूबा बना रहेगा और ये वही इश्कालात हैं जो वो लोग पेश करते हैं और उनके यही उनके इतराजात हैं, वो यही कहते हैं। तो मेरा सवाल पे जरा गौर कीजिए, अभी आपने कहा कि फरिश्ते रूहें कबज करते हैं, तो मैंने चले, अब मैं आपके ही जो आपने बात कही है उसी को सवाल के अंदाज में पूछ लेता हूँ, क्या रूह फरिश्ते कबज करते हैं, या दूसरे मानों में क्या मौत फरिश्ते देते हैं। इसी तरह आप कहेंगे कि अभी तो ये रूह कबज करने की बात हो रही है, अहादीस से पता लगता है कि रूह भी फरिश्ते फूंकते हैं, जब बच्चा जनीन की सूरत में होता है, फला फला उम्र को पहुंचता है तो वो रूह फूंकी जाती है, ये होता है वो होता है। फिर वो सवाल पैदा होता है कि क्या पैदा फिर फरिश्ते करते हैं या इंसान, या अल्लाह पैदा करता है, पैदा करने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, रूह फूंकने वाला कौन है, रूह निकालने वाला कौन है, जिंदगी देने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, मदद करने वाला कौन है और दस्तगीरी करने वाला कौन है। यही तो सारा मौजू है, यही तो सारा बुनियादी नुक्ता है जहां से बात इधर उधर निकल जाती है। इसको हल करना है हमने कि अल्लाह करते हैं उस्ताद कि मखलूक भी करती है, इसको मजीद निखारें।
जी साथ ये ऐसे भी मिसाल दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने हमारे लिए कोई तोहफा भिजवाया है तो कोरियर के जरिए भिजवाया है, और कोरियर में भी 3-4 लोग उसमें मुलव्वस हैं उस काम को अंजाम देने में, तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि कोरियर वालों ने हमें ये गिफ्ट दिया, हम कहेंगे फला ने हमें ये गिफ्ट दिया है, क्योंकि देने वाला तो वो है जिसने भेजा है। ये तो एक प्रोसेस को अंजाम देने के लिए बीच में इतने सारे लोग आए हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं कहते कि TCS वालों ने हमें ये गिफ्ट दिया, हम ये कहते हैं कि फला ने हमें ये गिफ्ट दिया है। लेकिन कॉरियर वाले ने भी उसका भी तो किरदार है ना। ये जो लोग इस किस्म की शुबहात पेश करते हैं वो कहते हैं इतना ही किरदार नबियों वलियों का है, असल काम तो अल्लाह ने किया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन उसकी और उसमें कहीं ना कहीं ये नबी वली और ये फरिश्ते और ये दीगर लोग भी शरीक हो जाते हैं। यहीं से तो और सारा लेकिन इख्तलाफ शुरू हुआ। लेकिन जी जो काम अल्लाह ताला ने, जैसे अल्लाह ताला का फैसला हुआ, तो फिर जो लोग कर भी रहे हैं उस काम में, यानी कि पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों से और अल्लाह ताला की से कर रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। और फरिश्तों को अल्लाह ताला ही हुक्म दे रहे होते हैं कि वो वही लेकर आते हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ प्राइमरीली। नहीं, अल्लाह की दी हुई ताकतों से, यही बात तो वो कहते हैं, वो कहते हैं अल्लाह ने उनको ताकत दे दी, उन्होंने कर दिया। अल्लाह ने उनको ताकत दे दी, वो औलाद बख्शते देते हैं। अल्लाह ने उनको ताकत दी है, वो हाजत रवाई मुश्किल कुशाई करते हैं, अपनी तरफ से नहीं करते, अल्लाह की दी हुई ताकत से करते हैं। बसता तो फिर यानी आप तो वही बातें कर रहे हैं जो वो लोग बातें करते हैं। चले मैं थोड़ी सी बात मजीद निखारता हूँ आपके सामने। कुरान कहता है قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، जिनको तुम अल्लाह के अलावा गुमान करते हो जरा उन्हें पुकार कर देखो, لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ वो ये सूरह सबा की आयत है और कुरान करीम में आयत की जगह इस तरह की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के अलावा औरों को पुकार कर देखो, لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، वो जरा बराबर भी इख्तियार नहीं रखते ना आसमानों में ना जमीन में। ये सूरह सबा की आयत है, आयत नंबर 22। जरा बराबर भी इख्तियार नहीं है। एक तरफ अल्लाह कहते हैं जरा बराबर इख्तियार नहीं है और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वो रूह भी वो कब्ज करते हैं, मारते भी वो हैं। फिर तो आप कहें कि माँ बाप बच्चों को दुनिया में लाने का सबब बनते हैं, फिर माँ बाप को भी जिंदा करने वाला कह रहे हैं, जिंदगी देने वाला कह रहे हैं। यानी वो ऐसा कौन कौन सी बात है जिससे बात निखरे, वरना अगर ये तो बहुत शुबहात मजीद बढ़ते जा रहे हैं। कुरान कई जगहों पर बड़ा वाज़ है, कुरान कहता है जो आयत हम पढ़ रहे हैं सूरह सजदा की, कि तदबीर अल्लाह अकेले करते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने काम अकेले सर अंजाम देते हैं। सूरह सबा की आयत कह रही है कि अल्लाह के अलावा जिसको तुमने पुकारना है पुकार कर देख लो, वो तो जमीन ना आसमान में ना जमीन में ज्यादा बराबर इख्तियार नहीं रखते, जमीनों आसमान की तखलीक में उनकी कोई शराकत नहीं है। शराकत क्या, यानी शराकत तो बराबर के लेवल की होती है, अदना लेवल की मदद भी नहीं है। यानी ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा काम कर रहे हैं और ये नबी वली और ये लोग कोई किसी हद तक थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, नहीं। वमा लहु मिनहुम मिन ज़हीर, अल्लाह का इनमें से कोई मददगार भी नहीं। अल्लाह जब जिंदा करते हैं अल्लाह अकेले जिंदा करते हैं, इस जिंदा करने में किसी का कोई किरदार नहीं है, याद रखिए। अल्लाह जब मारते हैं तो अल्लाह अकेले मारते हैं, इस मारने में किसी का कोई किरदार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मदद करते हैं किसी की तो वो मदद अल्लाह अकेले करते हैं, उस मदद में किसी का कोई किरदार नहीं है। लेकिन फिर अब जो इश्काल पैदा हो रहा है वो इश्काल पैदा हो रहा है कि हमें दुनिया में ऐसी चीजें नजर आती हैं और यही चीजें वो लोग पेश भी करते हैं। डॉक्टर की मिसाल ले लें, माँ बाप की मिसाल ले लें, इसी तरह के फरिश्तों की मिसाल ले लें, फरिश्ते रूह भी कब्ज करते हैं। देखें एक तरफ अल्लाह कहते हैं फरिश्ते रूह कब्ज करते हैं, एक तरफ अल्लाह कहते हैं अल्लाह रूह कब्ज करता है, अल्लाहु यतवफ्फल अनफुस हीना मौतिया। एक तरफ अल्लाह रूह कब्ज करने की निस्बत अपनी तरफ करते हैं, एक तरफ अल्लाह फरिश्तों की तरफ करते हैं। इनमें अब ऐसी क्या बात करें जिससे बात निखर आए कि अल्लाह अकेले अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं, कि अल्लाह के कामों में, अल्लाह की तदबीर में और इस दुनिया का निजाम चलाने में कोई नबी वली कोई इस तरह गौस कुतुब वगैरह भी शरीक है। बात को मजीद निखारना चाहिए। जी उस्ताद मोहतरम, ये सारे काम तो अल्लाह ताला खुद ही करते हैं, लेकिन जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने उनको मुकरर किया है किसी चीज के लिए, सिर्फ वो काम, वो
मखलूक कर सकते तमाम हैं, कामों में अल्लाह का ताउन वो कर देते हैं वो लोग। वो अल्लाह ताला की मर्जी से वो काम करते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला की ही मर्जी के बिना पर, और सिर्फ वो मखलूक कर सकती है जिनके बारे में कुरान हदीस में आया है, बाकी जो भी उसके अलावा कोई मखलूक है वो कुछ नहीं कर सकती। यही बात वो लोग भी करते हैं, आपको सही बताऊं उनका मौकफ भी यही है, उनका इससे बड़ा उस्ताद मौकफ भी। हाँ जी उस्ताद, लेकिन अगर हम दुनिया में भी देखें ना, तो दुनिया में भी ये दावा गलत, दुनियावी कामों में भी ये दावा गलत है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे मरहले में हर किसी की जिंदगी में ये मरहला जरूर आता है कि आपका कोई बहुत करीबी भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो वालदेन हो या औलाद हो या डॉक्टर हो, ऐसा हर किसी की जिंदगी में जरूर आता है। और ये चीज तो खैर अब उम्र के इस हिस्से में तो हमने बहुत नोट की, लेकिन वैसे भी मुझे लगता है कि हर किसी की जिंदगी में एक लम्हा जरूर आता है जब आपको लगता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी आप नहीं, और अल्लाह के सिवा कोई कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए, चाहे वो कितने ही वसाइल जराए और वो जो आपका रिश्ता हो खून का या जिस किस्म का भी, वो नहीं काम आता। ये पहले भी आपने बात कही थी और यही इतनी बुनियादी बात है, लेकिन इस बात को थोड़ा तोड़ तक पहुंचाए ना, बात को मजीद निखारना चाहिए। देखिए मैं बात को निखारने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक काम है अल्लाह के कामों में मखलूक जर्रा बराबर भी शरीक नहीं है। एक काम है मखलूक के, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मखलूक नहीं है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह खालिक है, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, अल्लाह अल्लाह के अफाल अल्लाह की सिफात हैं, ना अल्लाह मखलूक है ना अल्लाह की सिफात मखलूक हैं। हम हो इंसान या फरिश्ते या जिन या तमाम मखलूकात, ये सब के सब हम मखलूक हैं और हमारे काम भी अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफात हैं वो मखलूक नहीं है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत मखलूक नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है। लेकिन अल्लाह ने एक रहमत पैदा भी की है, एक रहमत है जो अल्लाह की सिफत है, एक रहमत वो है जो अल्लाह की मखलूक है, और वो अल्लाह की मखलूक रहमत अल्लाह ने अपनी मखलूक को दी है, और वो मखलूक के अंदर भी वो सिफत आ जाती है, वो मखलूक सिफत आती है। अब अल्लाह भी गफूर रहीम है और इन अल्लाह बिन नासिर रऊफुर रहीम है, अल्लाह लोगों के साथ शफकत करने वाले और अल्लाह लोगों पर रहम करने वाले हैं, और यही जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी है, बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, आप मोमिनीन के साथ शफकत करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। मेरा सवाल है, क्या क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ये वो वही शफकत और रहमत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शफकत और रहमत नहीं, ये मखलूक है? मखलूक शफकत और मखलूक रहमत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक है अल्लाह की, अल्लाह के आजिज मखलूक है, अल्लाह के आजिज बंदे हैं, आपकी सिफात भी अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफात हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शायान निशान है, उनका मखलूक सिफात से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए अल्लाह के रहीम होने में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहीम होने में जमीन और आसमान के फर्क है, ये वही फर्क है जो खालिक और मखलूक में है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, आपकी जो रहमत है मखलूक रहमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमुर रहीमीन है, हुवा अरहमुर रहीमीन अर रहमान अर रहीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत का नबी सल्लम की रहमत से मुकाबला ही नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह अल्लाह के काम है और मखलूक के काम, अल्लाह का भी इल्म है मखलूक का भी इल्म है, वो अल्लाह का इल्म अल्लाह की सिफत है, मखलूक का इल्म वो अल्लाह की मखलूक है, वो मखलूक की सिफत है, तो वो मखलूक की सिफात मखलूक के काम वो भी मखलूक है। वल्लाहु खलककुम वमा तअमलून। अब जरा अगर ये मुकदमा अगर आपको समझ आ जाए, तो अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया तो अल्लाह ने उनको टूटे फूटे कुछ, जिस तरह मखलूक नाकिस है उनके काम भी नाकिस है, वो अल्लाह ने उनको कुछ उनकी सिफात भी पैदा की, मखलूक उन कामों को सर अंजाम भी देते हैं, तो मखलूक सिर्फ उस काम को अपनी नाकिस सिफत के मुताबिक एक हद तक तदबीर करते हैं, उस काम की एक हद तक उस काम को करते हैं, वो मखलूक की तदबीर है, उसका अल्लाह की तदबीर से कोई ताल्लुक नहीं।
और वो एक मखलूक एक हद तक एक काम, मसलन मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाने के लिए मैं सफर कर लेता हूँ, पैदल सफर कर लेता हूँ, या मैं किसी सवारी पर सफर कर लेता हूँ। मैं कोई काम करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए तदबीर करता हूँ कि ये काम हो जाए। मैं अगर डॉक्टर हूँ, मैं किसी का इलाज करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं अपनी मेडिकल, जो मेरी एक नाकिस सिफत है, एक नाकिस मेरा इल्म है, जो मेरी नाकिस मालूमात है, उन नाकिस मालूमात के मुताबिक अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं किसी का इलाज करने की कोशिश करूंगा। मेरा काम सिर्फ अपनी मखलूक, अपने नाकिस सिफत की हद तक अपनी तदबीर है, नताइज तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। तो अगर मैं तदबीर करूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी का दवा दारू करूं, किसी का इलाज करूं और उसे शिफा हो जाए, तो कोई नहीं कहता कि डॉक्टर ने शिफा दी है। शिफा तो अल्लाह ने दी है, यानी नतीजे अल्लाह के हाथ में है। वो जो अल्लाह ने शिफा दी है, वो जो अल्लाह ने जिंदगी दी है, वो अल्लाह की सिफत है। उस सिफत में सारी दुनिया मिल जाए, वो जरा बराबर भी शरीक नहीं है। कोई इंसान, कोई मखलूक, कोई काम करती है दुनिया के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूक को पैदा किया, उनके उनको अल्लाह ने हाथ पांव भी दिए, वो हाथ पांव के साथ वो एक महदूद हद तक ताकत कुदरत भी रखते हैं, और इस ताकत कुदरत का कुछ मखलूक गलत इस्तेमाल भी करती है, दूसरों पर जुल्म ज्यादती करती है, लेकिन कोई इंसान किसी पर जुल्म ज्यादती करके उसे मौत नहीं दे सकता, मार नहीं सकता। मौत सिर्फ तब आ सकती है जब अल्लाह का फैसला होगा। इसी तरह एक है अल्लाह का रूह कबज करना, एक है फरिश्तों को अल्लाह ने एक हद तक, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है और उनका फेल भी अल्लाह की मखलूक है। फरिश्ते जो है वो रूह कबज करने के लिए अपनी तदबीर करते हैं, फरिश्तों का रूह कबज करने की तदबीर करना और अल्लाह रब्बुल आलमीन का रूह कबज करना, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। और मरता कोई शख्स तब है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला होता है। फरिश्ते के अमल से भी कोई बंदा मर नहीं सकता, अगर कोई फरिश्ते के अमल से कोई बंदा मर जाए तो मारने वाला तो फरिश्ता हुआ। ये तो ऐसे कि जैसे कि कातिल जो है वो किसी पर ज्यादती करे और किसी पर गोली चलाए और के मैंने इसको कत्ल कर दिया है और मैंने इसको मार दिया है, अब मैं हूं अल-मुमीत। या कोई इंसान किसी की मदद करे, डॉक्टर किसी की मदद करे, या किसी कोई शख्स किसी जख्मी की मदद करे, और वो उसकी तदबीर है, मखलूक तदबीर है, वो तदबीर के हद तक अपनी कोशिश कर सकता है, लेकिन वो किसी को बचा नहीं सकता। जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, जब तक वो अल्लाह की तदबीर और अल्लाह का फैसला नहीं आएगा, तब तक कोई बचेगा नहीं। तो अल्लाह एक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात एक है, मखलूक खुद मखलूक है और मखलूक की सिफात भी मखलूक है, और मखलूक एक हद तक अल्लाह ने उसे एक बड़ी नाकिस हद तक काम करने का अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया है, वो अपने उस नाकिस तरीन इख्तियार को एक नाकिस तरीके से एक महदूद हद तक इस्तेमाल करता है। तो वो अल्लाह का फैसला उसकी वजह से नहीं हो जाता, वो अल्लाह के फैसले अपने हैं, नताइज अल्लाह के हाथ में हैं, हर चीज अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के काम कोई मखलूक नहीं कर सकती, सारी दुनिया की मखलूक मिलकर, सारे दुनिया के नबी वली फरिश्ते मिलकर जिस काम को अल्लाह ने नहीं करना वो नहीं कर सकते। जिसको अल्लाह ने अभी मौत नहीं देनी तो मलकुल मौत या मलकुल मौत के जो आवानो अंसार फरिश्ते हैं वो सब मिलकर भी उसे मौत नहीं दे सकते। वो अपना काम करते हैं, जब अल्लाह का फैसला होता है अल्लाह रूह कबज कर लेते हैं और फिर वो मर जाता है। जब पैदा करना है तो अल्लाह ने पैदा करना है, अल-मुही अल्लाह है, फरिश्ते रूह फूंकने वाले वो अल-मुही नहीं है। माँ बाप जो है वो उनकी एक अपनी मखलूक हद तक उनकी एक तदबीर है, शादी और उसके बाद के मामला, जब अल्लाह ने जान डालनी है तो जान डालनी है। किसान बीज बोता है, किसान नहीं बीज बोता, वो अंतुम तज़रऊनहू अम नहनु ज़ारिऊन। अल्लाह फरमाते हैं कि क्या तुम उगाते हो क्या हम उगाते हैं, अल्लाह उगाते हैं। सारी दुनिया के किसान मिलकर एक दाना नहीं उगा सकते, एक दाना पैदा नहीं कर सकते, दाने से कोमपल नहीं निकाल सकते, सारी दुनिया के किसान मिलकर। वो एक तदबीर करते हैं, अपनी मखलूक तदबीर, वो जो अल्लाह का फैसला है वो उसमें सारी दुनिया के किसान और सारी दुनिया के फरिश्ते और सारी दुनिया के नबी वली मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते, एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते।
ख्याल है, कुछ बात समझ आई या कुछ? सर पूरी तरह से अलहमदुल्ला समझ आ। तो जब भी अल्लाह फरमाते हैं कि मखलूक के पास जर्रा बराबर भी इख्तियार नहीं है, उससे मुराद क्या है? उससे मुराद है कि अल्लाह के कामों में सारी दुनिया के मखलूक इकट्ठी हो जाए, सारी दुनिया के नबी वली फरिश्ते और ये कुवतें दुनिया की अच्छी बुरी, तो सारी अल्लाह ने ताकतें दी हुई हैं, अच्छे लोगों को भी उनकी मखलूक हद तक, और शैतानों को भी अल्लाह ने, शैतानों को पैदा किया है, शैतानों के पास कुछ जो है वो ऐसी बास चीजें हैं मखलूक हद तक। अब देखें जिन आसमानों तक तो पहुंच जाते हैं, वो अल्लाह ने उन्हें, उनके अंदर ये चीज रखी हुई है, वो आसमानों तक तो पहुंच जाते हैं, वो तेजी से सफर कर लेते हैं, तंग कर लेते हैं इंसानों को, इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म कर लेता है, ये अल्लाह ने उसे अख्तियार दिया हुआ है, कत्ल मारता इंसान नहीं है, इंसान कत्ल करने की कोशिश करता है, अपनी तदबीर करता है, उसको उसकी तदबीर का और उसके बुरे फेल का उसे सजा मिलती है। मरता नहीं है कोई शख्स जब तक अल्लाह का फैसला ना। आप जादू की मिसाल लीजिए, देखिए हमारा ईमान है कि जादू हो जाता है, लेकिन हमारा ये भी ईमान है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होता। क्या ख्याल है? वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि जादूगर किसी को नुकसान नहीं दे सकते मगर अल्लाह की इजाजत से। जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, दुनिया जहां के जादूगर शोबदाबाज मिल जाएं, वो पत्ता भी नहीं ला सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह उनके काम में तासीर पैदा करते, जब अल्लाह तासीर पैदा करते हैं तो वो चीज होती है, वरना नहीं होती। एक कातिल किसी को कत्ल करता है, अल्लाह की तरफ से मौत का फैसला आता है तो वो मरता है, वो वरना नहीं मरता। ये मतलब है माहूम बिजारीन भी मिन अहदिन इल्ला बिज़्निल्लाह। जादूगर किसी को ऐसा जादू भी कर सकते हैं कोई बंदा मर जाए, लेकिन जादू, जादूगर किसी को नहीं मार सकता। वो अल्लाह का हुक्म होता है तो वो मरेगा, या उससे नुकसान होगा, वरना वो नहीं मर सकता। तो जादूगर को सजा है उसके जुल्म ज्यादती और उदवान की। अल्लाह ने हमें एक दूसरे के साथ खैर खही करने का हुक्म दिया है अपनी अपनी ताकत के हद तक। व ताअवनु अलल बिर्रि व तक्वा, इसे ताउन कहते हैं। ये कोई किसी की मदद नहीं करता खुदाई इख्तियारात के तहत। अल्लाह ने हमें एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया है, व ताअवनु अलल बिर्रि व तक्वा, और अल्लाह ने हमें एक दूसरे पर जुल्म ज्यादती करने से रोका है। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उदवान, जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की मदद करता है बशरी ताकत के हद तक, तो उसको उसका अजर मिलता है, छोटे से छोटे नेकी का अजर मिलता है। जब कोई किसी पर ज्यादती करता है, जुल्म करता है, उदवान करता है, मासीयत करता है, उसको उसकी सजा मिलती है, लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता, कोई किसी को फायदा नहीं दे सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह के हुक्म के बगैर मक्खी भी पर नहीं मार सकती। बस ये थोड़ा तो मुश्किल बहस है, मैंने उसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि ये बहस इस तरह हल होती है, इस तरह ही बहस क्लियर होती है, वरना यही सारे इतराजात हैं, यही सारे शुबहात हैं जो ये लोग पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जी असल में वो जिंदा करने वाला, मारना तो वाली जात तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को ये ताकत दे रखी है, अल्लाह ने नबियों को ये ताकत दे रखी है, अल्लाह ने वलियों को ये ताकत दे रखी। कहाँ दे रखी है अल्लाह ने? अल्लाह ने तो कहीं भी नहीं कहा कुरान में मैंने ताकत दी है, मैंने किसी को औलाद पैदा करने की ताकत दी है, मैंने किसी को मारने की ताकत दी है, अल्लाह तो नहीं कहते। हाँ, दुनिया के अंदर किसी की मदद करना, किसी के काम आना, या दुनिया के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाना, बतावन वाले, ये बशरी इस्तेताअत की हद तक, ये एक दूसरे की मदद करनी चाहिए हमें। कोई बंदा गिर जाए कुएं में, उसको हमें कुएं से निकालने की कोशिश करनी है। अगर कोई बंदा बीमार हो जाए, डॉक्टर को उसे उसका इलाज करने की कोशिश करनी है, उसकी जान बचाने की सरतोड़ कोशिश करनी है, लेकिन डॉक्टर, सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर किसी इंसान की जान नहीं बचा सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। वो तदबीर कर सकते हैं, उनको तदबीर करने का अजर है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और ये जो किसी की, किसी से मदद मांगना शिर्क है, ये कब शिर्क बनता है? किसी से मदद मांगना ये तब शिर्क नहीं बनता जब हम किसी से बशरी ताकत के हद तक, उसकी मखलूक ताकत के हद तक मदद मांगे। देखे मैं जमीन पे गिर जाऊं, कोई चोट लग जाए मुझे, मैं किसी से कहूं मुझे उठा दो, ये कोई शिर्क नहीं है।
मेरे पास रकम नहीं है, मुझे रकम चाहिए, मैं किसी से कहता हूँ मेरी मेरा ताउन कर दो, मेरी मदद कर दो, तो मैं किसी मालदार शख्स से दस दराज कर सकता हूँ उसके सामने। नहीं करना चाहिए बहुत मजबूरी के बगैर, मैं कर सकता हूँ किसी इंसान के सामने, बशरी ताकत के हद तक कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक अंधेरे कमरे के अंदर मैं बंद हो गया हूँ, एक गार के अंदर मैं फंस गया हूँ, समुन्दर के अंदर मैं फंस गया हूँ, और मैं दूर दराज किसी पीर फकीर को आवाज देता हूँ और कहता हूँ कि मेरी मदद करो, ये शिर्क है। मैं कहीं किसी मुश्किल में फंस गया हूँ और मैं फौज खुदगान, नबी वली पीर अब्दुल कादिर जिलानी सैयदना अली, और मैं जो फौत हो गए अल्लाह के पास चले गए हैं, तो मैं उनको मदद के लिए पुकारता हूँ, ये शिर्क अकबर है। लेकिन अगर मैं किसी को पुकारता हूँ, किसी जगह फंस गया, ऊंची ऊंची आवाजें देता हूँ कि हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो मेरी मदद करो, और कोई मेरी आवाज सुन लेता है और मेरी मदद कर देता है, मैंने तो गैर अल्लाह को नहीं पुकारा, मुझे अल्लाह से मदद मांगनी है, और मुझे बशरी ताकत के हद तक लोगों से भी मुझे कहना है, और अगर लोग मेरी मदद करें बशरी ताकत के हद तक, मैं लोगों से मदद मांग सकता हूँ। नबी भी लोगों से मदद मांगते थे, يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله। ये वो चीजें हैं जिनसे ये लोग मदद लेते हैं और ये लोग इनके जरिए शुबहात पैदा करते हैं, हमें इन शुबहात से अपने आप को बचाना है। और ये ऐसे बदतरीन शुबहात हैं कि इन शुबहात से हम बिदात खुराफात और शिर्क तक पहुंच जाते हैं बड़ी तेजी के साथ। हमें इन चीजों को समझना है कि बशरी ताकत के हद तक हम किसी से मदद मांग सकते हैं, मखलूक की सितात की हद तक हम किसी से मदद मांग सकते हैं, लेकिन हम खुदाई इख्तियारात के तहत किसी से मदद नहीं मांग सकते। और हमने जब कभी किसी से ऐसी मदद मांगी जो अल्लाह का इख्तियार है, तो ये शिर्क अकबर है, ये शिर्क है, और हमें इससे अपने आप को बचाना है। जी नुमान साहब, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, इसमें सारी ये जो हम अभी हमने पढ़ा है, इसमें एक चीज जो है वो बड़ी मुझे जो कर रही है वो ये है कि इसमें अगर तमाम तर फैसले मतलब अल्लाह ने बिल्कुल एक उसका कंट्रोल और उसका सारा कुछ अपने पास है उनके, और मखलूक अगर तकदीर कर भी रही है तो उसका उसको अल्टीमेट अंजाम अल्लाह ने ही देना है, तो जी इसमें हमारा जो इख्तियार है उसका फिर होना एक ना होने के बराबर एक चीज है कि वो इख्तियार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे सही है। हाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मुक्का मारा, वो मर गया, वहां पर भी मेरा ख्याल है कि अल्फाज ऐसे ही हैं कि अल्लाह ने उसको मौत दे दी हालांकि उनका इरादा नहीं था। तो इस किस्म की जो आयात हैं वो थोड़ा सा मजबूरी की तरफ नहीं लेके जाती कि इंसान बहुत हद तक मजबूर भी है इख्तियार होने के बावजूद। बस नुमान साहब, यही तो चीजें हैं जिनकी वजह से इतने बड़े बड़े फिरके बने, लेकिन आप देखिए इन चीजों के जवाब भी मौजूद हैं और इन चीजों का हल भी मौजूद है शरीयत के अंदर। देखिए, कोई इंसान किसी इंसान को कत्ल नहीं कर सकता, यानी कि कोई इंसान किसी की जान नहीं ले सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। मेरी इस बात से आपको इत्तेफाक है कि नहीं? अच्छा, जब कोई इंसान किसी की जान नहीं ले सकता तो कत्ल की सजा फिर क्यों मिलती है कातिल को? और फिर चले दुनिया में, तो आप कहेंगे तो दुनिया में तो जो जाहिरन उसने मारा हो, हालांकि वो अल्लाह जब तक किसी के बारे में अगर हम ये समझें कि कातिल ने मकतूल को मार दिया है, तो फिर ना वो जो नमरूद और हजरत इब्राहिम का वो हुआ था ना मुनाजरा, फिर नमरूद उसमें ठीक था। नमरूद ने असल में यही काम किया था, उसने असल में एक सजाए मौत के कैदी को उसने छोड़ दिया था, उसने कहा देखो मैंने इसकी जिंदगी दे दी है, और उसने एक बेगुनाह शख्स को पकड़ के कत्ल कर दिया था। उसने कहा देखो मैंने एक जिंदा शख्स को मैंने मार दिया है, तो मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। हालांकि मैं देखिए, दुनिया दारुल इम्तिहान है ना, असल में उसने एक तदबीर की, बुरी तदबीर की, जुल्म किया, ज्यादती की, अल्लाह अल्लाह जो है ना उस आदमी को कत्ल करना चाहते थे, मारना चाहते थे, मौत देना चाहते थे, अल्लाह ने नमरूद के हाथ उसको मौत दे दी, नतीजा अल्लाह के हाथ में था। और जिसको नमरूद ने
सजाए मौत के कैदी को, जिसकी मौत का वक्त आ गया था, सजा का वक्त आ गया था, उसको छोड़ दिया नमरूद ने। असल में अल्लाह 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 के हुक्म में अभी उसकी जान बाकी थी, तो असल में नमरूद ने नहीं मारा था, नमरूद ने जिंदा नहीं किया था, वो अल्लाह ने जिंदा किया था, अल्लाह ने मारा था। लेकिन नमरूद को सजा किस बात की है, एक कातिल को सजा किस बात की है? कातिल को सजा उसके जुल्म और ज्यादती की है, जो वो जुल्म ज्यादती करता है उसको उसकी सजा है। इंसान जो भी काम करता है, इंसान अच्छा काम करे, इंसान बुरा काम करे, इंसान के अच्छे बुरे काम दोनों की निस्बत ही, फिर वो लंबी हमारा मौजू शुरू हो जाएगा, इरादा कौनी और इरादा शरी है। इंसान अच्छा काम करे बुरा काम करे, दोनों की निस्बत अल्लाह की तरफ हो सकती है। इसके बावजूद इंसान को अच्छे काम करने पर अजर मिलता है, बुरा काम करने पर सजा मिलती है, दोनों की निस्बत अल्लाह की तरफ हो सकती है। अगर एक इंसान ईमान लाता है तो हम कहेंगे कि अल्लाह की तौफीक से ईमान लाया। अगर एक इंसान कुफर करता है, हम कहेंगे अल्लाह के करने से उसने कुफर किया, अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया। कुरान करीम में हमें जगह जगह मिलता है, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, ये अल्लाह का इरादा कौनिया है। तो लंबी बहस है जिसमें तफसील से बात हो चुकी है, मैं इस मौजू को आगे नहीं बढ़ाता, हमारा टाइम भी ऊपर हो गया। लेकिन दोनों अल्लाह का इरादा कौनिया है। कोई जो ईमान लाता है वो अल्लाह का इरादा शरिया भी है, जो कुफर करता है वो अल्लाह का इरादा कौनिया है, वो अल्लाह का इरादा शरिया नहीं है। ईमान लाने वाले को जन्नत क्यों मिलती है, दुनिया के अंदर नेमतें क्यों मिलती हैं, जन्नत क्यों मिलती है? क्योंकि उसने इरादा अच्छा किया, उसके इरादे में बरकत अल्लाह ने डाल दी। और जो जुल्म करने वाला है, जो जुल्म करने वाला है, तो उसको जो है वो सजा क्यों मिलती है? क्योंकि उसने इरादा बुरा किया था, उसमें उसका भी एक हद तक किरदार है। अल्लाह ने जो इख्तियार दिया, उसने उस इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए उसे उसकी सजा मिलती है। बाकी कत्ल अल्लाह के हुक्म से होता है, लेकिन जिस इंसान ने जुल्म की, ज्यादती की, और उसने जो है वो, तो उसको उसके जुल्म ज्यादती की सजा मिलती है। तो मेरा ख्याल है ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज नहीं है जो हमें समझना आए। बाकी इंशाल्लाह फिर आइंदा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।